नमस्कार, मैं हूं पुलकेश शर्मा। आप देख रहे हैं SS न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। TMU में सिर चढ़कर बोला कुमार विश्वास का जादू। भारी संख्या में श्रोताओं ने कुमार विश्वास नाइट का लूटा आनंद। आयुक्त सभागार में पीतल नगरी महोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित। मंडलायुक्त एल वेंकटेश्वर लू ने की अध्यक्षता। CMO कार्यालय में जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा एक कार्यशाला आयोजित। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन्मुखीकरण को लेकर हुई चर्चा। डिजाइन को पीतल फर्म में लगी भीषण आग से लाखों का नुकसान। आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। हैरत अंगेज करतबों ने महानगर वासियों को किया मंत्रमुग्ध। रविवार रात तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के रिद्धि सिद्धि भवन में प्रख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास नाइट का आयोजन किया गया। श्रृंगार रस के महारथी कुमार विश्वास ने कार्यक्रम के दौरान देश की संस्कृति, माटी, खान पान, वेशभूषा, भाषा, संस्कार की वकालत की। डॉक्टर कुमार विश्वास ने कार्यक्रम का आगाज अपने बहुचर्चित गीत कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है से किया। लगभग दो साल बाद शायद मैं आया हूँ, मुझे याद आ रहा है। और आगे जो अतिथि बैठे हैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ, आप सबको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। अच्छा, ये क्या है कि पोइट्री के शो के लिए रैंप बना दिया है जो कैटवॉक करने के लिए बनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मैं इनसे परिचय। ये पोइट्री का बैंड है दिल्ली से, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए आप सबके लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की शाम आपके साथ एक ऐसी शांति देगी, थोड़ी देर के लिए इस नए साल को मनाइएगा इस शुभकामना के साथ कि इस साल न हो पूर्णा माखी, इस साल न हो खामोशी हो, इस साल न दिल को दहलाने वाली बेबस बेहोशी हो, इस साल मोहब्बत की दुनिया में दिल दिमाग की आंखें हो, इस साल हमारे हाथों में आकाश चुनती पाते हैं। अगली दो लाइन पर अपनी तालियों के साथ बताइए कि ये साथ अगर इतनी मोहलत मिलवा जाए तो अच्छा है, ये साथ अगर हमसे हमको मिलवा जाए तो अच्छा है, और चाहे दिल की बंजर धरती सागर भर आंसू पी जाए, ये साथ अगर कोई भूल नहीं मिलवा जाए तो अच्छा है। तो आप सबके लिए ये साल बहुत महत्वपूर्ण हो। ईश्वर आपके जीवन से दुखों को इसी तरह दूर करे जैसे 500 के और 1000 के नोट में, और आपके जीवन में ऐसी खुशियां आए जैसे 2000 का पिंक वाला नोट आया। मीडिया के मित्र आए उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, नए साल में आपसे मुलाकात हुई। अखबार के लोग, टीवी के लोग, आपका भी स्वागत है। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, जहां आवाज नहीं आ रही वहां हाथ उठा के बताओ। आवाज नहीं आ रही तो हाथ कैसे उठाया? बहुत दिन बाद एक ऐसे हॉल में मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि एकॉस्टिक्स की दिक्कत है, लेकिन नया साल है, थोड़ा आप निभा लीजिए, थोड़ा मैं निभा लूंगा। समस्या यह है कि जो सबसे जागृत श्रोता है, जो सबसे ज्यादा फेस्टिव मूड में है, वो तो पीछे बैठा हुआ है, और जो सबसे डल है वो आगे बैठा हुआ है। तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना। तो जो आगे लोग बैठे हुए हैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि मुस्कुराते हुए इस साल में प्रवेश करिए, तो आप हंसते मुस्कुराते रहेंगे, अन्यथा लंबा साल है और प्रधानमंत्री जी कभी भी भाषण दे सकते हैं, कुछ पता नहीं क्या निर्णय हो जाएगा।
इसलिए जब तक कोई निर्णय नहीं हो रहा है तब तक आप ऐसे ही रहिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि धीमे धीमे आपसे जुड़ूँ और आपके पास तक पहुँचूँ, और बिना किसी भूमिका के पहली चार पंक्तियाँ आपको सुना रहा हूँ। सदा याद रखिए, कितने भी बड़े हो जाइए, आखिरकार एक दिन वहीं पहुँचना है जहाँ पहुँचना है। पहली चार लाइनें सुनिए और आप बताएंगे मुझे कि आप कैसा सुनना चाहते हैं। कि नजर में शोकियां अच्छे लोग हैं आप, नजर ऐसी चल रहा था। कि नजर में शोकियां लब पर मोहब्बत का तराना है, मानो कि नजर में शोकियां लब पर। ये जब टीवी वाले आए हैं चैनल वाले, ये इसलिए नहीं आए कि कल दिखाएंगे, ये इसलिए आए कि डेढ़ दो घंटे में मेरे मुझसे कुछ गलत निकले तो चलाएंगे फिर निखिली कुमार विश्वास के द्वारा। पिछले डेढ़ साल से बगदादी ने इतने आदमी नहीं मारे होंगे जितने मैं दर्शक मार दिए। रोज बगदादी दिखाते हैं, बगदादी का मानव बम, बगदादी का हसीना बम, और वो भी इन लड़कों को जो हसीना और बम को अलग अलग देखते रह जाना। के नजर में शोखियां लब पर मोहब्बत का तराना है, मेरी उम्मीद की जद में अभी सारा जमाना है। कई जीते हैं मिल के देश पर मालूम है मुझको, रखी पंक्ति पर हाथ तैयार रखना। कई जीते हैं मिल के देश पर मालूम मुझको, सिकंदर हूं मुझे एक रोज खाली हाथ जाना, मुझे एक रोज खाली हाथ जाना, सिकंदर हूं मुझे एक रोज खाली हाथ जाना। आपकी आवाज थोड़ी प्रतिक्रिया कम आ रही है, आगे चाय बांटी जा रही है। अच्छा, चाय वाले को मना भी नहीं कर सकते, पता नहीं कब प्रधानमंत्री बन जाए। अरे अच्छा बेटा, मुरादाबाद में हमको डांट रहे थे। आजकल तो उत्तर प्रदेश में बड़ा महान माहौल है, मुख्यमंत्री जी ने अपने पिताजी को अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया। हालांकि अच्छी बात है कि उन्होंने पिता पद से बर्खास्त नहीं किया। किसी पत्थर में मूर्त है, कोई पत्थर की मूरत है, बात दीजिए, किसी पत्थर में मूरत है, कोई पत्थर की मूरत है। जिस लड़के ने मुझे देखकर सीटी बजाई, बेटा तेरा भविष्य खराब। अगर तू साल के पहले दिन एक पुरुष को देख के सीटी बजा रहा है, इसका मतलब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुझे कुछ नहीं मिल सकता। सही जगह निवेश कर। कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है, लो हमने देख ली। सोमवार को आयुक्त सभागार में हर वर्ष होने वाले पीतल नगरी महोत्सव की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त एल वेंकटेश्वर लू की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिगर मंच पर महोत्सव में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर विचार विमर्श किया गया। कमिश्नर एल वेंकटेश्वर लू की अध्यक्षता में उनके सभागार में हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी होने वाले पीतल नगरी महोत्सव की तैयारियों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिगर मंच पर होने वाले महोत्सव के कार्यक्रमों को लेकर सभी से विचार विमर्श किया गया। उस एक महीने के बीच में हम लोग तब जो है जो भी एक्टिविटीज आपको प्लान करना कर ले तो जल्दी खत्म है, प्लानिंग वो सब कर ले। दो महीना बचा है, ऐसा मान के चलते डेढ़ महीना बचा है, तो डेढ़ महीने पहले से किन किन कलाकारों को आना है, किनको न्योता देना है, सब चीजें पहले से बता दो। प्लान कर ले, प्लान कर ले, डेट यस बता दो। आप हमारे इनसे कोई इशू नहीं, जब भी होगा सर अपना फोर्स लगाएंगे और भी लगाएंगे, कोई इशू नहीं है। फोर्स भी सर उस वक्त थोड़ी उसके अलावा 60-70 मतलब सब मिला के फोर्स मतलब 100-150-200 आदमी लगते हैं। कहाँ होगा ये मेला?
इस मौके पर DIG ओमकार सिंह, SSP उमेश श्रीवास्तव, जिला अधिकारी जोहर बिन सकीर, SP सिटी अभिषेक यादव, जिला सूचना अधिकारी RK सक्सेना आदि तमाम अधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। महानगर में पेट्रोल पंपों पर घटतौली की शिकायत को लेकर जिला प्रशासन ने पार्ट माफ विभाग को छापेमारी करने के आदेश दिए हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी SS न्यूज सिटी हलचल को ADM सिटी AK श्रीवास्तव ने दी। बताया है कि मतलब जो पेट्रोल पंप है वो जो सही बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है और इसके लिए मैं प्राप्त इंस्पेक्टर को निर्देश जारी कर रहा हूँ कि वो जांच करें और जो भी ऐसा करता हो पाया जाए उसके खिलाफ तत्काल वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। और हमारी टीम से हमारी प्रयास करेंगी ताकि जो है कोई विघटन करना पाए और जनता को रिलीफ मिल सके। सोमवार को जिला विधिक प्राधिकरण के तत्वावधान में CMO कार्यालय पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार गंभीर है। इसी के मद्देनजर आज CMO कार्यालय में जिला विधिक प्राधिकरण के नेतृत्व में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें नोडल अधिकारी डॉ. रंजन गौतम ने लिंग जांच के बारे में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉ. संजीव यादव, मिस्टर सचिन कुमार राघव, मिस्टर संजीव राघव एंड मिस्टर सचिन कुमार, ये आज 2 तारीख को सेव गर्ल चाइल्ड बेटी बचाओ के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक विशेष संज्ञान लेते हुए इस उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया है। मैं डॉक्टर रंजन गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं और आपको ये भी अवगत कराऊंगा कि मैं नोडल अधिकारी PCPNDT के रूप में कार्यरत हूं। आप सभी आए हुए रेडियोलॉजिस्ट साथियों और हमारे अन्य साथी अधिकारीगण, आप सभी का स्वागत है। यहां यह मैं आपको बताना चाहूंगा कि PCPNDT एक्ट, चूंकि विधिक सेवा प्राधिकरण के बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, बहुत आयाम है इसके, और इस शेड्यूल में से चुनने के लिए मैं चाहूंगा आप सब लोग हमारे सच्चे विधिक सेवा प्राधिकरण के जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। इस अति संवेदनशील बिंदु के विषय में मैं 2 बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा, बाकी आप प्रोजेक्टर पर देखेंगे कि प्री कंसेप्शन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक इनिबिशन टेक्निक्स 1994, संशोधन 1996 और 2 इसके और संशोधन हुए 2012 6 जून को और 2014 केंद्र सरकार की तरफ से एक्ट के रूप में आई और पूर्ण एक्ट आया, जो बाद में नियमावली में भी कन्वर्ट हुए उसके पार्ट, उसमें बिल्कुल एक उसका जो सार है वो ये है कि unless some specified reason, unless until some very very strong indication by the doctor, by the treating doctor, sex determination is totally। कार्यशाला में मुख्य रूप से सिविल जज एवं विधिक प्राधिकरण के सचिव तालेवर सिंह, CMO डॉक्टर संजीव यादव, डॉक्टर रणवीर सिंह, डॉक्टर प्रकाश सहित काफी संख्या में रेडियोलॉजिस्ट मौजूद रहे। मोहम्मद इमरान, SS न्यूज, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने डॉक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा को उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। सोमवार को डॉक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा ने SS न्यूज सिटी हलचल से बात की और आयोग की कार्यप्रणाली के बारे में बताया। उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर इस आशय से बना है कि जो NFSA एक्ट है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत खाद्यान्न और दूसरी सुविधाएं लोगों को दी जा रही हैं, मुख्य मतलब ये था कि वो सारी सुविधाएं वांछित पात्र लाभार्थी तक पहुंच जाएं और बीच में चोरी, पिलफरेज, व्यावर्तन ये सब न हो सके। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध सम्यक कार्रवाई की जाए। उपभोक्ता को अगर खाद्यान्न नहीं मिलता तो वो पहले जिले में शिकायत करेगा संबंधित अधिकारियों को, वहाँ नहीं सुना जाएगा तो जिले में जिला शिकायत निवारण अधिकारी है उसके सामने ये शिकायत की जाए। अगर वहाँ नहीं सुना जाता है तो मंडल स्तर पर उपायुक्त खाद्य शिकायत निवारण अधिकारी हैं, उनसे भी शिकायत की जा सकती है। इन दोनों जगहों पर शिकायत की सुनवाई न होने पर
उपभोक्ता सीधे आयोग के अध्यक्ष को अथवा सदस्य सचिव को इसकी शिकायत कर सकता है। आयोग जहां अनुतोष नहीं मिलता है ऐसी शिकायतों का संज्ञान लेकर के यदि उनमें पर्याप्त साक्ष्य हैं तो संज्ञान लेकर के आवश्यक कार्यवाही करेगा और अध्यादेश में अध्यादेश बल्कि न कहें अब तो कानून है उस कानून में NFSA कानून के अंतर्गत उपभोक्ता को आवश्यक अनुतोष दिलाया जाएगा और सामान दिलाया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण आयोग है कि इसमें उपभोक्ता को अनुतोष के साथ साथ 5,000 रुपये का प्रतितोष दिलाने की व्यवस्था है और यदि आवश्यकता पड़ी तो आयोग वैधानिक कार्यवाही के निर्देश भी दे सकता है। इसमें संबंधित दुकानदारों के साथ साथ संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की भी जांच कराई जा सकती है और उनके विरुद्ध भी कार्यवाही कराई जा सकती है। इसके आदेश यद्यपि पूर्णतः बाध्यकारी तो महीन नहीं माने जा सकते लेकिन राज्य सरकार को आयोग सीधे ये निर्देश दे सकता है और संस्तुति कर सकता है कि हाँ ये गड़बड़ियाँ हैं इनको ठीक कराया जाए। सर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर कोई व्यक्ति शिकायत करना चाहे आयोग में तो वो किस तरह से कर सकता है? अभी तो कोई निर्धारित रूप पत्र निर्धारित नहीं हुआ है। शिकायतें आदमी सामान्य रूप से जैसे करता है वैसे शिकायत कर सकता है। हाँ जो शासनादेश था शासनादेश में व्यवस्था ये है कि लोग शिकायत के साथ शपथ पत्र दें जिससे कल को वो बैकआउट न कर सकें और फर्जी शिकायतें न कर सकें। तो इसलिए अभी यद्यपि कोई प्रारूप या इस तरह का कोई तरीका नहीं बनाया गया है कि शिकायत कैसे करें तो सामान्य शिकायती पत्र पर आयोग के समक्ष शपथ पत्र के साथ आदमी आवेदन कर सकता है जैसा कि सामान्य राशन की दुकानों के संबंध में शिकायत की प्रक्रिया है। थैंक यू। मैं इस जनपद में 3 वर्ष तक लगभग जिला पूर्ति अधिकारी और लगभग 3.25 वर्ष तक मैं यहाँ उपायुक्त खाद्य रहा। इस जनपद के नागरिकों से उपभोक्ताओं से मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव रहा है। इस कारण मैं जनपद के सभी सम्मानित उपभोक्ताओं को समस्त सम्मानित नागरिकों को सभी को अपनी ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यह आशा करता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को यहां कहीं से न्याय नहीं मिला तो राज्य खाद्य आयोग से कोई व्यक्ति निराश नहीं लौटेगा, उसकी बात हमेशा सुनी जाएगी और दोषी चाहे कितना भी बड़ा प्रभावशाली और महत्वपूर्ण क्यों न हो उसके विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अंत में नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार को शिवसेना की समीक्षा बैठक सिविल लाइन स्थित PWD गेस्ट हाउस में आयोजित की गई जिसमें संगठन को मजबूत करने और विधानसभा चुनाव लड़ने पर बल दिया गया। शिवसेना की समीक्षा बैठक सोमवार को सिविल लाइन्स स्थित PWD गेस्ट हाउस में आयोजित की गई। समीक्षा बैठक में संगठन को मजबूत करने व विधानसभा चुनाव लड़ने पर बल दिया गया। समीक्षा बैठक में गाजियाबाद से आए प्रधान महासचिव एवं मंडल प्रभारी विनीत चौधरी ने कहा कि मुरादाबाद की सभी 6 विधानसभा सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ाएगी, इसके लिए सदस्यता अभियान चलाकर संगठन को मजबूत किया जाएगा। मुरादाबाद में 150,000 नए शिव सैनिकों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद में शीघ्र ही एक विशाल सम्मेलन कराया जाएगा। मेरा आना इसलिए हुआ है कि जो आगामी चुनाव है 2017 के विधानसभा चुनाव है उन चुनावों की समीक्षा के लिए मैं आया हूँ और मंडल का जो प्रभार है वो मुझे दिया गया है मुरादाबाद पूरे मंडल का, तो उसी के संदर्भ में चर्चा की है और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक कमेटियों का गठन करने का निर्देश दिया है। बूथ स्तर तक कमेटी का गठन करें और डोर टू डोर कैंपेनिंग करें, चुनाव में हर दरवाजे जाएं, हिंदुत्व के मुद्दे पर और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ें। ये मैंने निर्देश दिए हैं, जिला प्रमुख महोदय को अवगत कराया है अपनी जो हमारी रणनीति है और जल्दी ही जो पार्टी का जो एजेंडा है वो भी सभी की सेवा में प्रेषित कर दिया जाएगा। यहाँ क्या शिवसेना सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? हाँ जी, शिवसेना उत्तर प्रदेश में करीब 250+ सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कुछ प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, दूसरी लिस्ट भी जल्दी ही जारी कर दी जाएगी, मैं भी मंडल की जारी करूंगा। और जहां तक मुरादाबाद मंडल की बात है हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मुरादाबाद मंडल की जितनी सीटें आती हैं जैसे जनपद मुरादाबाद में 6 सीटें, तो कोशिश ये है कि हम 6 की 6 सीटों पर चुनाव लड़ें। अच्छा, घोषणा भी कर दी गई प्रत्याशियों की? कुछ प्रत्याशियों की अभी वो घोषणा मेरे द्वारा नहीं की, प्रत्याशियों की घोषणा तो अभी तक तो केवल प्रभारी थे, प्रत्याशी की लाइन में थे, प्रत्याशी तो घोषित अब होंगे जब मैं करूंगा। इस मौके पर शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा, बबलू पाल, मोहर सिंह कश्यप, भवानी सेना जिला महिला अध्यक्षा मंजू राठौर आदि तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोविंद पाल,
एसएस न्यूज मुरादाबाद। सोमवार सुबह मुरादाबाद जनपद के मझोला थाना क्षेत्र स्थित डिजाइन को पीतल फर्म में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। फर्म में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुरादाबाद जनपद के मझोला थाना क्षेत्र स्थित डिजाइन को पीतल फर्म में सुबह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। दिल्ली रोड पर स्थित पीतल फर्म में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। आग लगने के बाद पूरे फर्म में धुआं फैलने के चलते दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हालांकि दमकल कर्मियों का कहना है कि आग पर काबू पाने के बाद ही आग लगने की असल वजह सामने आ पाएगी। मुरादाबाद जनपद में डिजाइन को पीतल निर्यात में सबसे पहले महत्वपूर्ण फर्म है। ऐसे में फर्म में आग लगने की वजह से शुरुआती जांच में 30 लाख से ज्यादा का नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग डिजाइन को फर्म के तीसरे यूनिट में लगी है। सुरक्षा के चलते दमकल कर्मी किसी को भी फर्म के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। फर्म में काम करने वाले सैकड़ों मजदूर फर्म के बाहर मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक फर्म में बड़ी मात्रा में केमिकल और अन्य ज्वलनशील पदार्थ रखे गए थे, जिसकी वजह से आग ज्यादा तेजी से फैली और केमिकल होने के चलते आग बुझाने में दिक्कतें आ रही हैं। दमकल कर्मी अभी भी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। आज सुबह 5 बजे 6 बजे पता चला, 6:15 बजे कि थोड़ी आग लग गई है। फैक्ट्री तो कल भी बंद थी, नाइट भी बंद थी, क्योंकि संडे की वजह से। तो सुबह हम पे फोन आया कि वही 6:30 बजे कि वही फैक्ट्री में से धुआं निकल रहा है, आग लगी हुई है। तो फटाफट फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। फायर ब्रिगेड वालों ने बहुत तत्परता दिखा के अपने जो है फटाफट ब्लू आई और अपने उस पर छुट गए आग बुझाने पर। सर लगभग आपका कितना नुकसान हुआ है? लगभग मैं समझता हूँ, हालांकि पूरा अंदाज तो अभी, क्योंकि अंदर धुआं काफी है तो इसलिए पता निकालना मुश्किल है, बाकी 20-25-30 लाख का होना चाहिए। सर पता चला कि कार में क्या रहेगा? शॉर्ट सर्किट, वो तो शॉर्ट सर्किट ही होना होगा। इसके अलावा तो क्योंकि फैक्ट्री कल से बंद है, कल संडे की वजह से बंद थी और तो बंद होती है, तो इसलिए जो है वो शॉर्ट सर्किट ही इसका मुख्य कारण होना चाहिए। ये डिजाइन को फैक्ट्री है यहाँ लाकड़ी में, और लगभग 5 बजे के टाइम पर सूचना हमको प्राप्त हुई थी। तुरंत हम दो गाड़ियाँ लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए, देखा कि आग काफ़ी भयंकर है, तो हमने फिर 3 गाड़ियाँ और बारिश से उनसे बुलाई। लगातार हम लोग आग बुझा रहे हैं और आग कंट्रोल में है। आग लगने का संभवतः कारण अभी बाद में बताया जाएगा, क्योंकि अभी ये जाँच का विषय है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो यहाँ जरूर पड़ी, 5 गाड़ियाँ लगातार काम कर रही हैं। कितने बजे से कितने घंटे हो गए आग बुझाते हुए? अब अभी लगभग 8:30 बज रहे हैं, तो 3:30 घंटे हो गए लगातार। क्या काफ़ी भयंकर आग थी जो इतना? हाँ, जब हम आए थे तो काफ़ी धुआं निकल रहा था, काफ़ी भयंकर थी, टक्कर निकल रही थी। तुरंत हमने दोनों गाड़ियाँ लगाई और 3 गाड़ियों को और बुलाकर चारों तरफ से हमने आग को काबू पाया गया। सोमवार को जिला कारागार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कैदी की अचानक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विगत 1.5 माह से संभल जिले के चंदौसी थाना क्षेत्र स्थित आटा निवासी लटूरी हत्या के मामले में जेल में बंद था। आज उसकी अचानक हालत बिगड़ गई। जेल प्रशासन आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जेल प्रशासन द्वारा घटना की जानकारी परिजनों को दी गई। सूचना पाकर पहुंचे परिजनों का कहना है कि आज उसकी तबीयत अचानक खराब हुई थी। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जी, हमारे परिवार में ताऊ, हमारे ताऊ लगे। अच्छा। क्या जानकारी मिली आपको इनके बारे में मौत की? इनके मामा आए अभी, हाल खेम करने के, वो बता रहे यहाँ के, वो 3 बजे टाइम दर्द उठू। अच्छा, फिर उसके बाद में फिर दवाई फवाई दिबाई, गोली बोल दिबाई, बता रहा फिर खत्म हो गया। कितने मामले बनते हैं? 300 के। कब से बनते? 1.5 महीना हो चुका। किसकी हत्या बनते? धन्य की। विगत रविवार को कुंदरकी थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। सड़क हादसे में युवक की मौत की यह घटना कुंदरकी थाना क्षेत्र स्थित जलालपुर के पास की है। दरअसल नागफनी थाना क्षेत्र के बंगला गांव निवासी छोटे लाल बाइक द्वारा कुंदरकी से घर आ रहा था। उसी दौरान जलालपुर गांव के पास तेज गति के चलते बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिसमें उसकी मौत मौके पर ही हो गई।
फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। ये वहाँ उधर बिलारी साइड में जा रहे थे, उधर की साइड में। किस चीज से जा रहे थे? ये बाइक से जा रहे थे। अच्छा, फिर क्या वो? कि उधर से तीन लोग थे, उधर बाइक में पिंचर हो गया था फर्स्ट, मतलब तो इनका बैलेंस नहीं संभाल पाया, सिर के बल गिर गए। कहाँ पर हुई घटना है? ये कुदर की साइड में हुई है। कब की घटना? कल दो से तीन के बीच के टाइम। रविवार की रात बिलारी थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। सड़क हादसे में युवक की मौत की यह घटना बिलारी की है। दरअसल बिलारी के कोरियान होली चौक निवासी अनोखे लाल का बेटा आकाश बीती रात होटल पर खाना खाने पैदल जा रहा था। उसी दौरान कैंटर गाड़ी ने उसे रौंद दिया, जिसमें उसकी मौत मौके पर ही हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। भारी संख्या में घटनास्थल पहुंचे परिजनों ने कैंटर में तोड़फोड़ करने के साथ जाम लगा दिया। फिलहाल पुलिस ने कैंटर को कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम कराया है। हम लोग तो अपने घर पे थे, वो अड्डे पे गया था खाना खाने, और वहीं वो खड़ा आया, गाड़ी इतनी तेजी से आ रही थी। कौन सी गाड़ी थी? ये बड़ी बड़ी टैंकर कौन सी कहते हैं उसे, छठर आया। ट्रक था? नहीं, ट्रक नहीं था, वो डीसी टाटा ट्रक होती है, वो गाड़ी थी। और मार के इतनी तेज गाड़ी निकल रही थी, उसे जो पुलिस वालों ने रोका भी था, पुलिस वालों को हाथ में चोट वोट भी लग गई है। हम लोगों को पता चली तो हम लोग वहाँ घटनास्थल में पहुँचे, जब तक उसकी मृत्यु हो गई थी। तो आप लोगों द्वारा कोई जाम भी लगाया गया था? हाँ, जाम लगाया था रात। अच्छा, हमारी कुछ सुनवाई नहीं हुई थी, हम जाम लगाया हमने। तो मौत मौके पर हो गई उसकी? हाँ, मौके की मौत हो गई थी। तो क्या पुलिस ने सुनवाई नहीं करी आपकी? पुलिस की सुनवाई, पुलिस थी नहीं यहाँ पर, दो चार कांस्टेबल था, वो बेचारे बाके पकड़ा सर, तब तो वो हाथ आया था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर रविवार को सिख समाज के द्वारा विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में सिख समाज के लोग मौजूद रहे। जुलूस के बीच सिखों ने बेहतरीन कर्तव्य दिखाए। जो लड़े दीन के हैं,
रविवार की रात महानगर में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में बीती रात शोभा यात्रा निकाली गई। बुध बाजार स्थित सपा नेता विनोद गुंबर ने पुलिस चौकी के सामने शोभा यात्रा का स्वागत करते हुए प्रसाद वितरण किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गुरु गोविंद ग्रंथ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। प्रकाशोत्सव है, नए साल में आज इतना बड़ा जुलूस यहाँ पर निकला है, ये बहुत हर्ष की बात है। मेरी वाहिगुरु जी के आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि नया साल सबके लिए, शहवासियों के लिए अच्छा रहे। वाहिगुरु जी सबके घर पे मिहर करें, चढ़दी चढ़दी गलाबे रखें। आपका घर, आपका परिवार मेरा वाला हो, भाग्य वाला हो, कर्मा वाला हो, यही मेरी प्रार्थना है। वाहिगुरु जी दोनों हाथों से आप सबके परिवार पर, आपके कारोबार पर, आपके नन्हे मुन्ने बच्चों पर, कि आप माता पिता की आज्ञाकारी बने, यही मेरी प्रार्थना है बाबा से। और इस साल चुनाव भी है, मेरी बाबा से ही मैंने आज हाथ जोड़ कर विनती करी है कि बाबा शहर में एक ऐसा विधायक देना जो शहर में जनता के बीच हो, जनता का काम कर सके, उसी प्रत्याशी को सब लोग चुने, चाहे वो किसी पार्टी से। वाहिगुरु जी का खालसा। SS न्यूज सिटी हलचल के संस्करण में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।